ट्रेन की स्पीड स्लो होती है तो बंदे खड़े रहते हैं खिड़की के पास में, और मोबाइल जो रहते हैं ना खिड़की के पास में गेट के पास में मॉल यूज कर रहे होते हैं, झपट्टा मार के छीन लेते हैं। ये अपना एयरपोर्ट है, तो देखो फ्लाइट खड़ी है, दिखाता हूँ मैं जूम करके आपको। ये देखो, हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो अगेन। आज एक न्यू सफर पर, आज कहीं घूमने नहीं जा रहा एक्चुअली, आज मेरा एग्जाम है, एग्जाम चल रही है, मतलब एग्जाम नहीं, आज चल की भी एग्जाम है, तो आज मैं जा रहा हूँ अलवर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग शूट किया जाए अलवर पहुँचने से कॉलेज पहुँचने तक का पूरे दिन का व्लॉग, तो व्लॉग बड़ा मस्त रहने वाला है। रेलवे स्टेशन के अंदर आते लगी नहीं रहा कि रात हो रही है, देखो पूरी मतलब अलग ही रवाना कहते हैं, हेल्पर रहती है। चलो वेट करता है, एक बार ट्रेन देख लेता हूँ मैं किस टाइम पे आने वाली है अपनी, दो मिनट बचे हैं। पहुँच चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन, आज तो मतलब पूरा कांड हो जाता। मुझे एक्चुअली क्या लगा कि मेरी जो ट्रेन थी ना वो 5:03 की थी रेलवे स्टेशन पहुँचने का टाइम, तो मैंने उबर बुक करी, तो लेट तो था ही मैं, ऐसा नहीं कि मैं लेट उठा था, टाइम पर उठा था लेकिन लेट हो गया। और मैं बोला भाई मुझे फटाफट पहुंचा दो, बंदे ने भाई ना हेलमेट पहनाया कुछ पहनाया, धूम मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं, दूर दूर से देखा होगा ना पूरी तरह बाइक चलाई बंदे ने। और जब मैं यहाँ पहुंचा ना, मेरे को लगा ट्रेन छूटी, जब मैं पहुंचा मतलब 2 मिनट पहले पहुंचा, फटाफट भाग के अंदर आया, सांस चढ़ रही थी, अभी थोड़ी बैठ के रिलैक्स हुआ, जब जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ आके देखा, मोबाइल ओपन करा, देखा तो ट्रेन 30 मिनट मतलब अराउंड 30 मिनट लेट है। मैं पटाया पहले पता होता बाइक नहीं पकाता, और मैं आज सोच रहा था जब बाइक चला रहा था ना भाई, मैं कह रहा भाई आज ये पहुँचाएगा ऊपर, मैं बोला हेलमेट, बोला कोई जरूरत नहीं हेलमेट की, मैं बताता हूँ बंदे ने हेलमेट भी नहीं पहनने दिया। पर जो था अब 30 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो अभी मैं दिल्ली कैंट हूँ, दिल्ली कैंट से अलवर का अपना जर्नी रहेगी। एग्जाम चल रहे हैं यार मेरे अभी है ना, तो मतलब कंटिन्यू पूरे महीने एग्जाम रहने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही शूट किया जाए, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, क्या कर्म कांड होते हैं ट्रेनों में, रास्ते में, आने जाने में। मेरे लो के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं वकालत कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है वकालत, वकील बन के। जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, उन्हीं पर केस ठोकना है मुझे। वैसे ना मेरे को ये था कि अगर मैं लेट हो जाता ना, तो मेरा प्लान था कि मैं बाइक लेके निकल लूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, बाइक लेके बाइक से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2.5-3 घंटे का रास्ता पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी अपना गुड़गांव साइड में आपको पता थोड़ा इशू चल रहा है लास्ट 2 दिनों से ना, थोड़ा दंगा टाइप का हुआ है, तो वो थोड़ा रिस्क था, और उसको भी अगर इग्नोर किया जाए कोई वो नहीं, चलो अभी शांति है। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की, एक बार मैं और मेरा दोस्त सारे अलवर से भाई रॉयल इनफील्ड बाइक है मेरे पे, मैं कह रहा हूँ सीट तक पानी भर गया था, वो तो शुक्र मनाओ हमारे हाथी का जो हाथी ने बचा लिया, तो इतना पानी भर जाता है। तो अभी बरसात का टाइम है, पता चलता कि पानी भर रहा रोड पर और तुम्हारा भाई रह जाता पानी के बीच में, बाइक का ऐसा ही है, पता नहीं इंजन में पानी पुनी चला गया, साइलेंस में पानी चला गया, तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर टाइट हो लो उसको इधर से उधर रिपेयरिंग करता कराते रहो। इसलिए मैं सोचा ट्रेन ही बेस्ट है भाई, तो अपनी ट्रेन से ही अप डाउन कर रहे हैं, आज तीसरा एग्जाम है, अभी तो पूरे महीने चल रहे हैं, तो सोच रहा हूँ लास्ट के जो कुछ एग्जाम होंगे ना, लास्ट के जो 2-3 एग्जाम होंगे और जिसमें एक दिन का गैप होगा, उस टाइम पे बाइक लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे है ना एक दो लोकेशन कवर करनी है अलवर की, जैसे भानगढ़ हो गया, ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ भानगढ़ का, लोग जो है देखा नहीं हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो, तो भानगढ़ भी जाना है, इसके अलावा अलवर में जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जो घूमने की जगह, वो सब कवर करेंगे। दुनिया सुबह हो शाम हो दोपहर हो चलती रहती है, चलती रहती है, किसी को क्या काम किसी को क्या काम, कोई एग्जाम देने आ रहा है, कोई कहीं से कहीं जा रहा, दिखाता हूँ आपको देखो। और ये पूरी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पूरे दिन 24 घंटे चलता रहता है, दुनिया बहुत भाग दौड़ करती है, दिखाऊँ आपको बैक साइड कैमरा ऑन करके देखो, ये देखो दिख रही है पब्लिक आपको, ये तो मैं बाहर आके बैठा हूँ थोड़ा इधर, मतलब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म तो उस साइड में है, मैं थोड़ा इधर आके बैठ गया, हवा लग रही है ना खुला हुआ है, ये सुबह सुबह का टाइम है अपना। तो ये अपनी ट्रेन आ ली, अपना S2 है सामने, S2 है और यहीं अपनी आएगी ट्रेन, लगा लो 33 मिनट डिले है भाई, और मैं बाइक वाले को कह रहा था भाई भगा ले, उसने मुझे आज भगवान के दर्शन करवा दिए सुबह सुबह। ये अपनी ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है ना, ये है रानीखेत एक्सप्रेस, जो उत्तराखंड से चलती है और जाती है जैसलमेर, काठगोदाम पड़ता है ना उत्तराखंड में, वहाँ से स्टार्ट होती है और जैसलमेर जाती है। बैठते अपना S2 का 57 सीट नंबर है, लोअर बर्थ, दो कैसे आ रही मटक मटक के भाई, है न्यूज से पहले हॉर्न मारने लग रही है चलने के लिए।
तो यहाँ से चल दी है, 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे इसका दिल्ली के एंड पे आई, और 2 मिनट भी कहाँ रुकी है, एक्चुअली वो ऑलरेडी लेट है तो उसी हिसाब से कवर कर रही है। यहाँ से हो गया स्टार्ट, देखो ये स्टेशन को करते हैं गंदा, सुबह सुबह लगे हुए हैं यहीं पे मूतने के लिए। जैसे कोई रेलवे स्टेशन क्रॉस होता है ना, कोई भी स्टेशन हो, तो यहाँ पे बंदे हैं ना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड स्लो होती है तो बंदे खड़े रहते हैं खिड़की के पास में, और मोबाइल जो रहते हैं ना खिड़की के पास में, गेट के पास में, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, झपट्टा मार के छीन लेते हैं। तो कभी भी इस तरह सफ़र करो ना तो ध्यान रखना चाहिए। मैंने वैसे मोबाइल खिड़की पर रखा हुआ, लेकिन मैं ध्यान दे रहा हूँ कि आगे कोई बंदा तो नहीं खड़ा है, एकदम झपट लेते हैं बंदे। तो हमेशा ध्यान देना कभी भी सफ़र करते हो ना इस साइड में, जैसे ही स्टेशन कोई क्रॉस होता है, स्टेशन आने वाला होता है, दोनों ही टाइम पे स्पीड स्लो होती है ट्रेन की, इसलिए। ये अपना एयरपोर्ट है, तो देखो फ्लाइट खड़ी है, दिखाता हूँ मैं जूम करके आपको, ये देखो जंक्शन में है इसका, 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, लेट चल रही है वैसे इसने, अब रेवाड़ी से लेकर अलवर के बीच में कवर कर लेगी डिस्टेंस को ना। ये देखो ये अपनी रेवाड़ी की रेवड़ी, रेवाड़ी की रेवड़ी फेमस है ना काफ़ी, तो कभी रेवाड़ी आओ तो रेवड़ी जरूर खाना, खाई होगी वैसे रेवड़ी, तिल की होती है, तिल और बूरा और तिल और गुड़, तो यहाँ की जो है तिल और बूरा की बनी हुई है ये रेवाड़ी की रेवड़ी। देखो वॉश मशीन का हाल भरा हुआ है बिल्कुल ही, तो देखो वॉश मशीन का क्या हाल है। वैसे तो यार बताऊँ क्या, 12 घंटे के आसपास इसमें हो गए चलते हुए, तो 12 घंटे में जाइए भर सकता है, क्योंकि जो पैसेंजर है ना वो खा खा के थूक देते हैं, तो ये जाइए इस पर तो हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, मतलब इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो गाइस मैं पहुँच गया अलवर रेलवे स्टेशन, बाहर निकल के आ गया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब मेरा जो एग्ज़ाम है ना वो है 1 बजे का, तो अभी बजे हैं, 1 सेकेंड बताता हूँ, 8:07, मतलब लगा लो 9, 10, 11, 12 अराउंड 5 घंटे, 5 घंटे मुझे भटकना है, तो मैं भटकूंगा नहीं। एक्चुअली मेरे एक दोस्त है, उसका भी एग्ज़ाम है, लेकिन उसका पिछले सेमेस्टर के एक तो एग्ज़ाम पेंडिंग थे, तो यहीं पर ही रूम ले कर रह रहे हैं, तो उनके पास जाते हैं और 4-5 घंटे वहीं पर लेट मारते हैं। फालतू रोड पर भटकने का मतलब नहीं है ना, और कॉलेज में जो एंट्री है वो 1 बजे से एग्जाम, तो 12:30 बजे के आसपास अंदर एंट्री करते हैं, तो 4 घंटे वहीं बैठते हैं, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, मतलब बिल्कुल मतलब थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, ऐसा नहीं है, कर तो लेते ही हैं। तो चलते हैं उसके पास में, दिखाता हूँ आपको मैं कौन से होटल में रुका हुआ है वो। उससे पहले एक चाय पीते हैं, एक आपको बंदे से मिलाता हूँ, जहाँ मैं अलवर में जब भी आया हूँ ना अराउंड में, मतलब 2 साल तो हो गए मुझे आते हुए, वैसे भी आता रहता हूँ, तो एक चाय वाले हैं साबू नाम उनका, साबू सुना है, और साबू एक सीरियल आता था, साबू और एक साबू होता था लंबा चौड़ा, और एक साबू और चौधरी साबू ऐसे करके नहीं था, तो वही वाले साबू है। तो उसके पास जाके एक कप चाय पीते हैं, फिर चलते हैं होटल के अंदर, भाई साहब को करते हैं फ़ोन, कुछ सो रहा होगा इस समय, उसको उठाते हैं पहले, फिर 4-5 घंटे वहीं पर बैठते हैं आराम से। तो चलो बने रहो मेरे साथ में, ट्रेन आधे घंटे लेट थी लगा लो, मतलब 7:30 बजे के आसपास का पहुँच रहा था, लेकिन आधे घंटे लेट पहुँचे यहाँ पर। तो ये वाला होटल है जिसमें वो भाई रुका हुआ है, पिछले साल मैं भी यहीं रुका था, मतलब बीच में आया था ना, 2 कंटिन्यू पेपर थे, बीच में एक दिन का गैप था, तो यहीं रुका था। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी एग्जाम के लिए, शर्ट चेंज कर ली क्योंकि सुबह वाली शर्ट हो गई थी गंदी, बुक्स लेके जा रहे हैं साथ में ताकि वहाँ पे 5-10 मिनट पढ़ लेंगे, क्योंकि 1 बजे का एग्जाम है, तो अभी 12:20 हुए हैं, तो यहाँ से चलते हैं, ई रिक्शा पकड़ते हैं, मेरे यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास कॉलेज है, तो चलते हैं देते हैं एग्ज़ाम, मिलते हैं शाम। तो ये अपनी सड़क है यार जो रेलवे स्टेशन से जाती है मेरे कॉलेज की तरफ, तो अब यहाँ से पकड़ेंगे हम ई रिक्शा, और रिक्शा कोई आ जाओ टाइम होने वाला है। तो ये अपना होटल है जहाँ पर मैं जो थोड़ी बहुत देर की मैं शरण ली थी, मैंने रूम बुक नहीं किया था, जिन भाई ने बुक किया था उनके वहाँ शरण ली थी, ये भाई साहब शर्माते कैमरे को देख के
वो अपने फेवरेट साबू चाय वाले जिनसे हम चाय पीते हैं। चलते हैं, आ गया रिक्शा, इसको पकड़ते हैं और चलते हैं फटाफट। बुक्स हाथ में ले रखी है ताकि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें। तो ये पहुंच गया मैं अपने कॉलेज, कॉलेज के अंदर एंट्री कर ली है। अभी 10 मिनट का टाइम बचा है, फटाफट जाते हैं, रोल नंबर देखते हैं कौन से रूम में अपना आज बैठना है हमें। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को। तो गाइस हो चुका है पेपर, निकल के बाहर आ गया मैं। एक्चुअली अंदर है ना मोबाइल अलाउड तो होता नहीं, तो बैग के अंदर डालना पड़ता है। और फिर ई रिक्शा पड़ी, अपने रेलवे स्टेशन के पास में पहुंच गया। तो मैं सोचा चलो व्लॉग को कंप्लीट करते हैं। अब क्या, अब मैंने, मेरी जो ट्रेन है ना वो है 4:20 की, जो मुझे उतारेगी 7:15 बजे, 7 बजे के अराउंड लगा लो। लेट हो गई तो 7:30 तक लगा लो, आधे घंटे के आसपास लेट हो ही जाती है। अब भी लेट ही है, 4:20 का टाइम है और 5:15 बजे के आसपास आ रही है। तो यही है, एग्ज़ाम हुआ मस्त, एल भी कर लो यार मस्त, ऐसे में लगती है कुछ नहीं है, मतलब कर लो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। अपने लॉ की डिग्री होनी है, जब मन करेगा तो अपना कभी वकालत कोर्ट में जाकर बैठ जाना, अदरवाइज़ आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या तो पुलिस वाले बन जाओ या नेता बन जाओ या वकील बन जाओ, बस। तो मेरे हिसाब से वकील बन जाना चाहिए। अब उसको प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, कोर्ट में बैठना नहीं बैठना, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करता हूँ कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम तो देना पड़ता है भाई, कोई नकल वाला सीन नहीं होता। आप सोचते होंगे भाई नकल करता, नकल वकल कुछ नहीं होती भाई, कोई भी जुगाड़ नहीं होता। एग्ज़ाम होता, फिलाइंग आती है, पर्ची बंदे लाते हैं, उनको पकड़ती है, केस बनाती है, सब कुछ होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब मेन तो आपको पता, वकालत करने के बाद में मेन तो प्रैक्टिस के ऊपर ही है। तो जो भी था, कंप्लीट अपना रेलवे स्टेशन चलते हैं। तो पैदल पैदल पहुँच गया मैं, मतलब कोहली से तो काफ़ी आगे आ गया हूँ। तो बैठते हैं ट्रेन में, चलते हैं घर की तरफ। रात में अपना काम करना है, काम भी तो करते हैं ना, यूट्यूब पे तो वीडियो इतनी ज़्यादा आप लोग कमाने का मौका दे ही नहीं रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करते, और करते तो व्यू नहीं आते। तो साथ में कुछ ना कुछ तो काम तो करना पड़ता है ना, जिससे कि अपना पेट पालने के लिए, पेट पालने के लिए रोज़गार, तो पहुँचते फटाफट। तो आज का व्लॉग करते यहीं पर कम्प्लीट। अब मेरा एग्ज़ाम है परसों, मीन्स फ्राइडे को, फ्राइडे को फिर नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, देखते हैं कुछ अलग होता है तो। और वैसे अभी ट्रेन में जाएंगे, कुछ अलग एक्टिविटी होगी तो फिर ऐड कर देंगे, फिर ब्लॉग को बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।